And you all are welcome on our YouTube channel, and I hope people you are getting benefits from my YouTube videos. This video is going to be really important because in this video we will discuss the all important updates regarding Canadian immigration. तो ये वीडियो बहुत खास होने वाली है आप सभी के लिए, बिकॉज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कनाडा से जितनी भी इम्पॉर्टेंट अपडेट है, ठीक है, वो कोविड के केसेस का क्या सिनेरियो इंडिया में, वो मेडिकल वालों के लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है, जिनके मेडिकल एक्सपायर हो रहे थे, अपडेट नहीं हो रहे थे, उनके लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अगर किसी अदर कंट्री में आप अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना चाहते हो, स्टैंपिंग करवाना चाहते हो, कौन से प्रोसेस आपको, कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा क्रिएट हो सकती हैं, इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। जनवरी 2020 का क्या सिनेरियो रहेगा वो डिस्कस करेंगे। G7 कंट्रीज़ की जो मीटिंग चल रही है उसमें किस मेन मुद्दों पर बात हो रही है, और आने वाले दिनों में उस मीटिंग का क्या फ़ायदा हो सकता है इंडिविजुअल्स को, उस पर बात करेंगे। तो उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, इफ़ यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो फॉर अ वेरी फर्स्ट टाइम, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस ऑन दी बेल आइकन, बिकॉज हमेशा कोशिश करता हूँ एक जेन्युइन, एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है, प्लीज़ उसे भी ज्वाइन कीजिए। किसी भी तरह की एप्लीकेशन आप हमारे साथ प्रोसेस करना चाहते हो, स्टूडेंट वीज़ा SOP में कोई हेल्प चाहिए, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। सो सबसे पहले बात करेंगे कोविड के केसेस के बारे में। कंटिन्यूसली पिछले 6 दिनों से जो कोविड के केसेस हैं वो 1 लाख से नीचे हैं, ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बिकॉज अगर नए केस रुकेंगे तो पुराने लोगों की रिकवरी बढ़ेगी, और पुराने लोगों की अगर रिकवरी बढ़ेगी तो आने वाले दिनों में इमिग्रेशन भी ईजी होगी। और जो इमिग्रेशन, तो चलो डिफरेंट मैटर है, जो कंट्री के अंदर सिचुएशंस हैं, जैसे काफ़ी सारे बिजनेस वगैरह क्लोज हैं और उनके कारण जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, चाहे वो जॉब होल्डर हैं, चाहे वो किसी भी तरह के स्टोर होल्डर हैं, देन उनके लिए भी आने वाले दिनों में गुड न्यूज़ आ सकती है। अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ओपन होंगी, देन देयर विल बी अ मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल। तो इस समय जो कोविड के केसेस हैं, नियर अबाउट नए रिकॉर्ड हुए हैं, वो 80,000 के करीब है, तो एक बहुत अच्छी बात है। एक मंथ में इंडिया ने बहुत अच्छी रिकवरी कर ली है, 4 लाख से 80,000 के करीब आना एक बहुत अच्छी बात है, और आने वाले वीक्स में हम देखेंगे ये सिनेरियो 50,000 के करीब होगा अगर ऐसे ही ये चीज़ें चलती रही। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वैक सेंटर के बारे में और मेडिकल के बारे में। सबसे पहले मेडिकल के बारे में बात करेंगे। कंटिन्यूसली क्वेश्चन आते हैं कि मेडिकल के बारे में कब अपडेट आ सकती है, कब नए मेडिकल स्टार्ट हो सकते हैं। वो बात करने से पहले एक गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप सभी ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, अप्रैल में जिन लोगों के मेडिकल एक्सपायर हो गए थे, पहले तो उनको पता नहीं लग रहा था कि उनका वीज़ा इनएक्टिव होने के पीछे रीज़न क्या है। बाद में कनाडा हाई कमीशन ने भी क्लियर किया कि आपका वीज़ा इनएक्टिव होने के पीछे आपका मेडिकल का रीज़न है, कि आपका मेडिकल एक्सपायर हो गया, यू हैव टू सबमिट योर न्यू मेडिकल, ठीक है। अब जो गुड न्यूज़ ये आ रही है कि बहुत सारे लोगों को देखने में मिला है, और पर्सनली हमारे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मेडिकल अपडेट होने स्टार्ट हो चुके हैं, जिन्होंने अप्रैल के लास्ट वीक में अपने मेडिकल हाई कमीशन को सबमिट करवाए थे, जहाँ उन्होंने मेडिकल करवाया था, तो ये एक बहुत अच्छी बात है और उनके वीज़े एक्टिव हो रहे हैं। ऐसे में मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इंडायरेक्ट रूट के जरिए ट्रैवल कीजिए। उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे जो दोस्त ऐसे हैं कि उनका कोर्स है कंप्लीट होने वाला है, उनकी जो वीज़ा है उनके पास 1 साल का है, ऑलरेडी 1 सेमेस्टर यहाँ पर लगा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में अगर कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट आए, इसीलिए 2-3 सेफेस्ट रूट हैं, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वाया मैक्सिको भी बच्चे जा रहे हैं, वाया इथियोपिया भी जा रहे हैं, वाया सर्बिया भी जा रहे हैं, तो मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूँगा जिनके वीज़े एक्टिव हो चुके हैं, बिकॉज अगर आपकी कोर्स की ड्यूरेशन 1 साल की है, क्योंकि किसी भी देश की गवर्नमेंट का पॉलिसी का कोई भी पता नहीं होता कि कब वो चेंज हो जाए, देन यू कैन ईजिली ट्रेवल टू कैनेडा, अब आप जा सकते हो, देन प्लीज़ आई थिंक यू शुड चूज़ दिस वन। आफ्टर दैट जो एक होटल क्वारंटाइन को लेकर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, क्या आने वाले दिनों में कनाडा होटल क्वारंटाइन लिफ्ट कर सकता है। देखिए, इस चीज़ पर अभी उनके जो ऑफिशियल्स ने स्टेटमेंट दी है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन की 2 डोज ली होगी, जो कनाडा में अप्रूव्ड है, जैसे एस्ट्राजेनिका है, ठीक है, उसका वर्जन यहाँ पर कोवाशील्ड है, तो कोवैक्सीन को तो जो USA ने रिजेक्ट कर दिया, बट आने वाले दिनों में इंप्लीमेंट हो सकती है। बट इस समय अगर आपने वैक्सीन लगवानी है, कोवाशील्ड लगा सकते हैं, दूसरी डोज आपको 28 डेज में मिल जाएगी। उसका आपको बेनिफिट क्या होगा, देखिए, अगर कनाडा जुलाई के फर्स्ट वीक में होटल क्वारंटाइन को
वो रिस्ट्रिक्शन को फुली वैक्सीनेटेड लोगों के लिए हटाता है, देन इंडिया में अगर फ्लाइटें चल पड़ती हैं जहाँ आपने इनडायरेक्ट रूट से भी ट्रैवल करना है, देन आपका एक्सपेंस गाइस काफ़ी बच जाएगा, क्योंकि होटल का एक्सपेंस नियर अबाउट अगर आप चीपेस्ट होटल भी देखें 60,000 to 80,000 तक आ जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा है और अननेसेसरी है। वही चीज़ें वही एक्सपेंस आप अपने एडिशनल ट्रिप में ऐड कर सकते हो जो आपने इनडायरेक्टली कैनेडा को ट्रैवल करना है। तो बट ये चीज़ है, ज़रूर है, कैनेडा ने अभी तक कहीं पर भी मैंडेटरी नहीं किया, अगर आपने एक डोज ले रखी है ठीक है then you can also travel to Canada, अगर आपने कोई भी डोज नहीं लिया then you can also travel to Canada, बस शर्त यह है कि आपके पास COVID-19 की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो G7 कंट्रीज़ की मीटिंग चल रही है, ये एक हॉट टॉपिक और पिछले काफ़ी सारे दिनों से बहुत सारे यूट्यूबर इस चीज़ को प्रमोट भी कर रहे हैं। क्यों प्रमोट कर रहे हैं? क्योंकि वर्ल्ड लीडर्स जब एक साथ इकट्ठे होते हैं, कोई मीटिंग होती है, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज़ डिस्कस किए जाते हैं। तो ये जो मीटिंग होनी है उसमें USA के प्रेसिडेंट भी हैं ठीक है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं और काफ़ी सारे कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो मेन मुद्दा इस समय उनका ये है कि एक तो COVID-19 की करंट सिचुएशन, कैसे वैक्सीनेशन को जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाया जाए, और दूसरा है क्लाइमेट चेंज को लेकर कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कैसे आने वाले दिनों में उस चीज़ को जो है एक अच्छे लेवल पर लेकर आ जाए, लोगों को मोटिव किया जाए। दूसरी चीज़ यह है कि सुनने में यही भी आ रहा है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच बात भी हुई है कनाडा USA बॉर्डर ओपन करने को लेकर, लेकिन स्टेटमेंट क्या है, उनकी करंट सोच क्या है, क्या वो ओपन करेंगे नहीं करेंगे, इस चीज़ पर भी जल्द क्लैरिटी आ जाएगी, बिकॉज ये मीटिंग का आई थिंक आज लास्ट डे है अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से। दूसरी चीज़, ये मीटिंग इंग्लैंड के कॉर्निवॉल में हो रही है, तो होपफुली के बड़े अपडेट इस मीटिंग के बाद कनाडा की तरफ से भी आ सकते हैं, क्योंकि इस मीटिंग में एक मेन मुद्दा जो वैक्सीन पासपोर्ट है वो भी है, उस पर भी बड़ी अपडेट आ सकती है। और वैक्सीन पासपोर्ट में आप सभी को बताता हूँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि दैट के स्पेशल पासपोर्ट बनेगा जी, जैसे आप वैक्सीन लगवाते हो आपके पास एक सर्टिफिकेट होता है, जैसे अराइव कैन ऐप एक कनाडा ने इंप्लीमेंट की थी, उसी तरह से ये कोई एप्लीकेशन का सिस्टम लेकर आ सकते हैं जहाँ जो आपको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिलता है जिस पर बारकोड होता है, कोई ट्रैकर या कोई स्कैनर लेकर आ सकते हैं। तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली हर एक कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव जब अपनी कंट्री में वापस जाएगा देन डेफिनेटली स्टेटमेंट देगा, डिफरेंट इशूज लेकर अमेरिका से भी आएगी, कैनेडा से भी स्टेटमेंट आएगी, बट हमें नेक्स्ट वीक तक वेट करना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट इन दिनों एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, एक एक साल से बच्चे वेट कर रहे थे, एक एक साल बाद क्यूबिक के स्पेशली स्टूडेंट्स की बात करूँ तो उनको डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट आ गई है। तो डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट में एक जो कॉमन क्वेश्चन आता है फंडिंग के बारे में आता है कि कैसे वो अपने फंड्स प्रेजेंट करें। देखिए गाइस, ज़रूरी नहीं है कि आपने पुराने फंड भी लगाने हैं, आप नए फंड भी लगा सकते हो, लेकिन जब भी आपने फंडिंग करनी होती, चाहे विजिटर वीज़ा है चाहे आपका स्टूडेंट वीज़ा है, उसमें आपका सोर्स बहुत मैटर करता है कि कहाँ से आपके फंड्स आए हैं, आपके फंड की जेन्युइनिटी है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, आपने जैसे पंजाब में होता है हम कमीशन एजेंट से पैसे लेते हैं ठीक है, बहुत सारे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले, तो उसका हमारे पास जैसे जे फॉर्म प्रूव होता है, तो गवर्नमेंट यही देखना चाहती है कि बच्चे फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, आप नए फंड्स भी लगा सकते हो, लेकिन साथ में उसका सोर्स ज़रूर होना चाहिए। दूसरी चीज़ एक और है कि इनकम कैसे प्रूव करें। रिसेंट ईयर आपने ITR सबमिट की थी ठीक है, अगर नए पोर्टल आप सभी को पता है कि अभी तक नहीं ओपन हुए हैं, तो आप अपनी पुरानी ITR विद जस्टिफिकेशन लगा सकते हो, अपना स्टडी प्लान अपडेट कर सकते हो, कोई घबराने की बात नहीं है। नॉन क्यूबिक स्टूडेंट के लिए भी यही सेम सिनेरियो, लेकिन मेन जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, अब फ्लाइट्स हैं जो ठीक है आने वाले दिनों में क्लोज हो चुकी हैं आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो रिस्क नहीं लेना चाहते और वो डायरेक्ट रूट के जरिए ही कैनेडा ट्रैवल करना चाहते, तो क्या सिनेरियो होगा, क्या आने वाले दिनों में कैनेडा में रश बढ़ेगा, ये एक दो मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाले हैं ठीक है। देखिए, इंडिया में स्पेशली पंजाब में और जो सीनियर सेकेंडरी के एग्ज़ाम्स हैं वो पोस्टपोन किए जा रहे हैं, और उस हिसाब से लगता है कि जो रिजल्ट है बच्चों का वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी जैसे लास्ट ईयर हुआ था। ऐसे में अगर 12 लाख के करीब जो 1.2 मिलियन बच्चा है 12th का, उसमें अगर 2 लाख बच्चा भी कैनेडा में इंटरेस्टेड हो, 1 लाख बच्चा भी अच्छा स्कोर कर लेता है, तो जनवरी इनटेक के लिए बहुत बड़े नंबर्स पर बच्चे अप्लाई करेंगे, और ऐसे में प्रॉब्लम किन स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट हो सकती है। देखिए, अगर आप 18 पास आउट हो, 19 पास आउट हो, 20 पास आउट हो, तो आपका केस रिफ्यूज़ हो गया, जहाँ आप 20 पास आउट हो, 19 पास आउट हो,
ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के कारण, फ्लाइट बैन के कारण आपने अपना केस सबमिट नहीं किया, आपने ऑफर लेटर अप्लाई नहीं की, ठीक है, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बिकॉज जब नया बच्चा एडमिशन करवाएगा, दूसरी चीज़ एक और है, अगर फ्लाइट्स ओपन नहीं होती हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके डिसीजन, देखिए कनाडा ने वैसे तो कहा है कि 6 अगस्त तक वो सभी के डिसीजन देंगी, अगर सभी के डिसीजन कनाडा नहीं दे पाता है, ठीक है, तो बच्चे डेफर करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि कुछ कॉलेजेस, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी रिफंड पॉलिसी बच्चों के फेवर में नहीं है, तो ऐसे में बच्चे अपनी फ़ीस बचाने के लिए, अपनी सेफ साइड जाने के लिए डेफर करेंगे, कुछ बच्चों ने डेफर कर लिया जनवरी इनटेक में, कुछ बच्चे पुराने, कुछ बच्चे नए हैं, तो ऐसे में जनवरी इनटेक सितंबर इनटेक के मुकाबले एक स्मॉल इनटेक होता है, एक जिसको हम कह सकते हैं एक छोटा इनटेक होता है, तो आप सभी को एज सून एज पॉसिबल, अगर आप प्लान कर रहे हो जनवरी के लिए, एज सून एज पॉसिबल अपनी ऑफर लेटर अप्लाई कीजिए, अपनी एडमिशन लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जब रश बढ़ेगा, जैसे सितंबर में डेली बेसिस पर बच्चों से बात होती है, बहुत सारे बच्चों ने अपने जो फेवरेट कोर्सेज हैं या जिन कोर्सेज में वो फाइल लगाना चाहते थे, जिनमें वो इंटरेस्टेड थे, उन्होंने बहुत सारे अपने जो कोर्सेज हैं वो मिस कर दिए, तो ऐसे में आने वाले दिनों में अगर जनवरी के लिए 18-19 पास आउट बच्चे ने अप्लाई करना है, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि देखिए एसडीएस कैटेगरी है, ठीक है, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है, जनरल कैटेगरी को सेकंड प्रेफरेंस दी जाती है, सेम सिनेरियो अगर हम देखें जो रीसेंट पास आउट बच्चा होगा डेफिनेटली उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देगा कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इवन हाई कमीशन भी, तो ऐसे में अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया, रिफ्यूज हो, डीमोटिवेट हो, लेकिन एज सून एज पॉसिबल प्लीज़ आप अप्लाई कीजिए, बिकॉज ऐसे में अगर आप अब अप्लाई नहीं करोगे देन आई थिंक इट्स अ गोल्डन चांस फॉर एवरी स्टूडेंट हु वॉन्ट टू अप्लाई फॉर कैनेडा, एंड आने वाले दिनों में चीज़ें भी स्मूथ होंगी, वीज़ा सक्सेस रेट भी बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए और एज सून एज पॉसिबल अप्लाई कीजिए, बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए, बिकॉज सेप्टेम्बर इनटेक की तरह अगर आपको सीट ना मिली तो जनवरी इनटेक में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। वैक सेंटर के बारे में एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैंने कल भी एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था, उस वीडियो में मैंने बात की थी कि अगर इंडिया में वैक सेंटर जैसे क्लोज हैं, अगर आप किसी अदर कंट्री से अपना पासपोर्ट स्टैम्प करवाना चाहते हैं तो आप उस कंट्री से उस कंट्री के जो वैक सेंटर है उसके साथ आप कॉन्टैक्ट कीजिए, उनको अपनी सिचुएशन बताइए। रिसेंटली हमारे एक क्लाइंट ने उनको मेल किया था, ठीक है, रशिया के वैक सेंटर को, उन्होंने अपनी सिचुएशन बताई, उन्होंने बताया कि मेरी पासपोर्ट रिक्वेस्ट जो एक्सपायर हो चुकी है बट मैं अपना पासपोर्ट स्टैम्प करवाना चाहता हूँ, तो रशिया वैक सेंटर ने उन्होंने उनको परमिशन दे दिया है, अब वो आने वाले दिनों में रशिया के लिए ट्रैवल करेंगे और वहाँ से अपना पासपोर्ट स्टैम्प करवा सकते हैं। सेम सिनेरियो बायोमेट्रिक के लिए, दुनिया के किसी भी कोने में आप पासपोर्ट स्टैम्प करवा सकते हो, स्पेशली कनाडा का किसी भी कोने में आप अपनी बायोमेट्रिक दे सकते हो, बेशर्त क्या है कि आपके पास आपका बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर होना चाहिए। ये थी वैक सेंटर को लेकर एक जो कैटेगरी है, दो कैटेगरी सॉरी, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, अभी भी मुझे वीडियो बनाते बनाते याद आया कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो सभी लोग पूछते हैं कि आप उनके बारे में बात नहीं करते, वो क्या है, नैनी वाले। नैनी वालों का जैसे मैं रिसेंटली बता चुका कि देखिए नैनी भी असेंशियल सेक्टर में आता है और आने वाले दिनों में इनके रिजल्ट भी बूस्ट होंगे, लेकिन रिजल्ट कम आने में, पीपीआर कम आने के पीछे ये भी रीज़न हो सकता है कि एक तो फ्लाइट बैन, क्योंकि उनको पता है एक वैक सेंटर क्लोज है, अगर पीपीआर बड़े नंबर्स में वो इन दिनों इशू कर देते हैं, जो वैक सेंटर ओपन होंगे पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, और उनके स्टाफ, क्योंकि जब भी ओपन होंगे आपको डेफिनेटली पता है कि लिमिटेड स्पेस, लिमिटेड स्टाफ और लिमिटेड सर्विसेज के साथ ओपन होंगे, तो ऐसे में उनको प्रॉब्लम आ सकती है। मुझे लगता है अपनी सेफ साइड जाने के लिए कनाडा हाई कमीशन इस चीज़ को होल्ड कर रहा है, बट आने वाले दिनों में डेफिनेटली वो ये चीज़ें ओपन करेंगे। जितने भी एक्सप्रेस एंट्री वाले हैं या पीआर वाले हैं, उनको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के कारण आपके रिवर्ट नहीं आ रहे हैं, बिकॉज कनाडा ने जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के ड्रॉ कितने निकाले हैं लास्ट मंथ में भी, कितने बड़े नंबर्स पर लोगों को इनवाइट किया और जो कट ऑफ था वो भी काफ़ी नीचे था, तो ऐसे में आपको भी घबराने की कोई बात नहीं, जब ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट होंगी डेफिनेटली आपके ड्रॉ भी बड़े नंबर्स पर निकाले जाएंगे। हो सकता है कि फेडरल स्किल वर्कर का जो ड्रॉ है कनाडा, उसमें जो एक कैप होता है कि दैट इतने लोगों को इनवाइट करना है, वो कैप को हटा भी सकता है, बट होपफुली दुआ कीजिए कि आने वाला समय आप सभी के लिए बेटर हो। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट कनाडा इमिग्रेशन को लेकर जो वीक की थी, और दूसरी चीज़ और, वैक सेंटर की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और भी आई थी कि दैट
अगर आपको कोई बोलता है कि विदाउट बायोमेट्रिक आपका डिसीजन आ जाएगा, ठीक है, तो वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ मैं पहले भी आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुका हूँ कि दैट COVID-19 के कारण जब रिसेंट लास्ट ईयर पैंडेमिक था उसके कारण उन्होंने कहा था कि कुछ लोग जो असेंशियल सेक्टर में आते हैं दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम करंट ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, नॉट ऑल, और दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम बायोमेट्रिक ऑल्सो। अभी भी कुछ लोग हैं, जैसे आपका कोई जाने का रीज़न एमरजेंसी है, यू आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम बायोमेट्रिक, आपको हाई कमीशन के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। बट अभी तक कैटेगरीज की कोई भी स्पेसिफिकेशन उन्होंने मेंशन नहीं किया। अगर आपको कोई बोल रहा है कि विदाउट बायोमेट्रिक आपका डिसीजन आ जाएगा, बिकॉज इट्स नॉट फेयर, बायोमेट्रिक मेडिकल और PCC इज़ अ बेसिक फॉर्मेलिटी ऑफ कैनेडियन गवर्नमेंट। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर देना। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर स्टूडेंट वीज़ा SOP। आप अपना केस हमारे साथ अप्लाई करना चाहते हो देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है उसे भी ज्वाइन कीजिए। थैंक you guys.